हेलो फ्रेंड्स, हम टैक्सोनॉमी में फैमिलीज पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फैमिली कनबोलबुलेसी। फैमिली कनबोलबुलेसी, इसमें शकरकंद एंड स्वीट पोटेटो फैमिली ये होती है। शकरकंद इसका एक रिप्रेजेंटेटिव प्लांट हम लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन में डाइकोट तक तो सेम रहेगा, सब डिवीजन डाइकोट क्लास वर्ग है इसका गेमोपेटली। सीरीज बाइकार्पेलेटी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, फैमिली कनबोलबुलेसी। फैमिली कनबोलबुलेसी, तो इसमें प्राप्ति स्थान, आवास, स्वभाव, प्रकृति, तो ज्यादातर इसके अंदर देखो अधिकांश सात होते हैं, कुछ शुभ होते हैं और कुछ पैरासाइट होते हैं। ये उपोष्ण व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कुछ काष्ठीय आरोही, ये प्लांट जो है स्वीट पोटैटो ये खुद भी आरोही है, जमीन पर फैलता है इसकी बेल, इसको हम आरोही कहते हैं। मूल मूसला मूल, ये डाइकोट का एक मेन करेक्टर है, शाखित मूसला मूल। साखित मूसला मूल लेकिन शकरकंद में भोजन संचय के कारण जड़ फूल जाती है। शकरकंद में भोजन संचय हो जाता है, इसकी वजह से जड़ फूल जाती है। उसके बाद तना तो भाई कुछ उर्दू साखे साकीय बेलनाकार आरोही साकीय, अगर वृक्ष है तो काष्ठीय, खोखला होता है एरोमिल, हरा पत्ती या पर्ण में सरल स्तंभ या शाखीय, स्तंभ या शाखीय जालिका और शिलान्यास लगभग सब में वही आएगा भाई। शीर्ष लंबे होते हैं, रोमिल होती है, जाली का वस्त्राविन्यास होता है, सब के अंदर वही आता है। उसके बाद है पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस। तो पुष्पक्रम इसका है द्विशाखी ससीमांश, द्विशाखी
ससिवांश कि बाई पेरस दो शाखाएं पाई जाएंगी, रक्त और इधर इस तरह से दूसरी शाखी ससिवांश पुष्प पुष्प इसका अब यहाँ से आगे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं भाई। पुष्प जो है इसका सहपत्री होता है, ऊपर से लिखते हैं सहपत्री त्रिज्या सम्मेत द्विलिंगी या उभयलिंगी, ये तीन चीजें हमको पुष्प सूत्र के लिए चाहिए। सहपत्री त्रिज्या सम्मेत द्विलिंगी पंचतई अधोजायांगी पंचतई अधोजायांगी आकर्षक होते हैं, आकर्षक होते नीले बैंगनी। उसके बाद बाह्य दल, तो बाह्य दल के लिए देखो पांच लिखे हैं, पंचतई है तो पांच होते हैं पांच। और विन्यास जो है इनका ये कोर छादी पांच हैं, पृथक है और कोर छादी है। कोर छादी एक बाहर एक भीतर और बाकी सब व्यावर्त है। उसके बाद दल, दल भी पांच, ये भी पृथक और किसी में ये संयुक्त। संयुक्त कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी और आकर्षक यानी कि गुलाबी बैंगनी या अच्छे मतलब एक कलर होते हैं। उसका कुमंग, कुमंग पांच, दल लग्न, पृथक दली, दल लग्न पृथक दली, विषम दीर्घी एकांतर दलीय, विषम दीर्घी यानी कि किसी के पुंगे सब बड़े किसी के छोटे, एकांतर दलीय, पराग कोष द्वी कोष्ठी अंतर्मुखी, पराग कोष द्वी कोष्ठी अंतर्मुखी, आधार लग्न। बाणाकार, बाण के आकार बाणाकार। उसके बाद जायांग, तो जायांग में कंडीशन है पंच द्वि अंडपी युक्तांडपी, द्वि अंडपी युक्तांडपी द्वि कोष्ठी और दूरवर्ती अंडास है, और दूरवर्ती अंडास है और बीजाणु न्यास इसमें स्तंभीय बीजाणु न्यास स्तंभीय बीजाणु न्यास वर्तिका एक वर्तिका द्विशाखित और डंबल समान या द्विपाल। फल और पुष्प
फल एवं बीज। फल होता है कैप्सूल, बीज भ्रूणकोशी। कपोष्ठ सूत्र के लिए क्या क्या चीज है? सहपत्री, त्रियसम्मिल, त्रिलिंगी, उसका बाहिदल 5, दल 5, संयुक्त त्रिय पृथक, उमंग 5, दल लग्न है, उसके बाद जायांग, द्विअंडपी, युक्तांडपी। सबसे पहले त्रियसम्मिल तो बिया, सॉरी सहपत्री बिया, त्रियसम्मिल द्विलिंगी के 5, सी 5, संयुक्त ए 5, दल लग्न जी, द्विअंडपी, युक्तांडपी और द्विवर्षीय अंडास। इस तरह अब ये मिटा दीजिए, कोई काम नहीं होगा। अब बनाएंगे पुष्प चित्र। तो पुष्प चित्र के लिए के 5, 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 और ये कोर छाड़ी है, तो कोर छाड़ी के लिए भी थोड़ा ध्यान दिए दोबारा से। कोर छाड़ी तो एक भीतर होगा, एक बाहर होगा, 3 बराबर से होंगे, एक पूरी तरह से बाहर, एक पूरी तरह से भीतर और 3 व्यावर्तित। एक बाहर एक भीतर 3 व्यावर्तित, एक किनारा बाहर एक किनारा भीतर। इस तरह से उसके बाद दल, दल है कोर स्पर्शी, 1, 2, 3, 4, 5 इनके किनारे आपस में जुड़े हुए नहीं है, सॉरी कोर स्पर्शी है लेकिन संयुक्त है। ये कोर स्पर्श संयुक्त है, ये संयुक्त है, इस तरह से। अब है जायांग, द्विअंडपी, युक्तांडपी। द्विअंडपी, युक्तांडपी और स्तंभीय बीजान्यास। स्तंभीय बीजान्यास में इस तरह से ये स्तंभीय बीजान्यास, ये द्विअंडपी है, द्विकोष्ठीय है, संयुक्त अंडपी है। उसके बाद 5 उनके साथ, तो 5 पुंग के साथ दल के साथ जुड़े हुए हैं, सभी पुंग के साथ पृथक हैं। पराग कोष द्विकोष्ठी, तो द्विकोष्ठी पराग कोष। ये मातृक्ष और ये सहपत्री, तो ये इसका पुष्प चित्र।
अब इसमें कोई ज्यादा खास आर्थिक महत्व के पादप है नहीं। एक शकरकंद, उसका नाम है हाइपोमिया बटाटास। कुछ मॉर्निंग ग्लोरीज हैं जो सुबह के समय खिलते हैं तो अच्छे लगते हैं। एक इसमें शंख पुष्पी, कनवोलवुलस माइक्रोफिलस, शंख पुष्पी कनवोलवुलस माइक्रोफिलस। कनवोलवुलस माइक्रोफिलस ये कुछ एक दो प्लांट इसके अंदर जो कुछ आर्थिक महत्व के हैं। एक विलायती आंकड़ा छोड़ो, कोई मतलब नहीं। आज हमने देखा कनवोलवुलेसी फैमिली, कल या नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक फैमिली को लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।